शानू अंकिता प्रीति ऑल ऑफ यू आई होप यू ऑल डूंग ग्रेट उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे अनु में उम्मीद है आपने कल जो एक सेशन किया हमने वैक्सीन के ऊपर उसको जरूर देखा होगा फाइन सो आई हैव सीन है लॉट ऑफ पीपल हु हैव सीन द सेशन जिसने अभी तक नहीं देखा वो जरूर देख लें उसको बिकॉज दैट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड उस सेशन से ही आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा अबाउट वेरियस वैक्सीन विच वी हैविंग इन इंडिया कौन सी अच्छी है बुरी है ये तो मैंने कहीं ना कि उसमें नहीं बोला एंड ट्रस्टमी कोई भी अच्छी बुरी वैक्सीन नहीं होती है एक अलग मैकेनिज्म है सबका काम करने का फाइन सो दैट्स द बेसिक आइडिया सो मतलब नो बडी कैन से दिस थिंग कि कोवैक्सीन अच्छी है कोविशील्ड बुरी है कोविशील्ड अच्छी कोवैक्सीन बुरी है वो बहुत ही बचकानी चीज़ें हैं उसमें हमें नहीं पड़ना अभी वैक्सीन लगवाने का टाइम है जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है सबके लिए एंड आई फील दैट एवरीबडी इन दिस कंट्री शुड गो फॉर वैक्सीन स्पेशली द एटीन प्लस 18 टू 45 की जो जनरेशन है जो पॉपुलेशन है उनका वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है जो कि आप सबको कहीं ना कहीं आप फुलफ़िल करना चाहिए एक आपका एक टास्क है कि 70 परसेंट तक की जो इंडिया की पॉपुलेशन है 70 परसेंट पॉपुलेशन को वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है सो अभी जितना जल्दी हो सकेगा उतना हम लोग इस कोविड के ऊपर काबू पा पाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ हाँ जी अब एप्सल्यूटली ये तो अलाउद्दीन खिलजी हैं फाइन हालांकि ये जो क्लास है ओके ओके चलिए आकांक्षा दैट्स अ गुड थिंग चले आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू यू नो हेल्प यू आउट विद योर थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग ये वैक्सीनेशन एवरी थिंग कि मैं आपको मदद कर पा रहा हूँ इस चीज़ में बिकॉज अल्टीमेटली देखिए इट इज़ ऑल द गेम ऑफ द थाट प्रोसेस ओनली ये सारी की सारी जो गेम है ये थॉट प्रोसेस की ही है आपका अगर थाट प्रोसेस है इस प्रकार का कि आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो आप कर लेंगे और अगर थॉट प्रोसेस है जो आपको वो चीज़ नहीं करने दे रहा तो नहीं कर पाएंगे सिंपल सी बात है फाइन सो एवरी थिंग इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट प्रोसेस ओनली सो आपके अगर थॉट प्रोसेस में वो सुपरस्टिशियस चीज़ें भरी हैं तो आप कोई चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं ये फैक्ट है चलिए हर एग्जाम के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई वुड लाइक टू गिव यू वेरी गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू दैट फॉर ऑल द पीपल ओर प्रिपेयरिंग फॉर द सी डी एस एफ कैट एंड सी ए पी एफ हाँ जी आशीष आई एम एबसोलटली फाइन थैंक यू सो मच सो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इन सभी एग्जामिनेशन के लिए दे आर नॉट ओनली हैविंग थ्री मंथस नाउ बट ऑल्सो एटीन मंथ सब्सक्रिप्शन अठारह महीने की भी सब्सक्रिप्शन है तो so, मैं आपको बताना चाहूंगा एटीन मंथ सब्सक्रिप्शन इज दर एंड बेसिकली आपको वो मिल रही है एलेवन थाउजेंड टू नाइन्टी बट सिंस इट इज़ ईद ईद का त्यौहार है एंड ईद के त्यौहार के ऊपर यू यूज द कोड ईद फिफ्टी फाइव टिंग डिस्काउंट ऑफ फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ ऑन दट फाइन सो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें चाहे वह तीन महीने बारह महीने अठारह महीने की सो नाउ यू हैव गॉट दस यू हैव गॉट दिस वेल सो ये एक पॉपुलर डिमांड पर आप कह सकते हैं सबके लिए लाई गई है सो यू कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आप इसका पूरा एडवांटेज ले सकते हैं एनीवेज अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी दिल्ली सल्तनत की हम लोग बात कर रहे हैं वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत सो so, दिल्ली सल्तनत के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर टाइमलाइन की बात करूँ तो 1206 से 1526 की हम लोग टाइमलाइन की बात करते हैं दैट इज सर्टली द बेसिक टाइमलाइन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन है वेरी गुड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू सर्टली नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर वो क्या है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत की संरचना किसने की कि दिल्ली सल्तनत को आ, मैं बताना चाहूंगा शानू ये डिटेल में है फाइन दैट्स इन प्रॉपर डिटेल अगर आप ये सेशन देखेंगे आप ख़ुद रियलाइज़ कर लेंगे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो एक इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही बेस्ड है सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक द सेशन और जिसने लाइक like कर दिया इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए एवरी वन सो दिल्ली सल्तनत जो है इसकी अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो बारह में इसको इस्टेब्लिश किया गया है एंड अगर आपने कल की क्लास अटेंड की हो तो मैंने आपको क्या बताया था वी हैड मोहम्मद गोरी हमारे पास क्या था मोहम्मद गोरी था नाउ मोहम्मद गोरी वॉज दैर एंड ही वॉज एक्चुअली अ नो डाउट अबाउट इट लेकिन उसने क्या कि इंडिया में आके काफी सारी बैटल जीती हमने देखा इलेवन नाइन्टीज के अंदर तराइन की लड़ाइयाँ जीती चंदावर की लड़ाई जीती गई किसके द्वारा गोरी के द्वारा नाउ बिकॉज गोरी हैज़ डन ऑल दीज थिंग्स तो इसके बाद होता क्या है गोरी वापस घोर चला गया गोरी बेसिकली वेंट टू अफगानिस्तान और गोरी इंडिया में छोड़ गया अपना एक गुलाम गोरी लेफ्ट अ पर्सन इन इंडिया हु वो वॉज बेसिकली ही स्लेव एंड दैट स्लेव वॉज नेम्ड एज कुतुबुद्दीन ऐबक सो गोरी तो वापस चला गया लेकिन किसको छोड़ गया यहाँ पे कुतुब्दीन ऐबक को छोड़ गया एंड कुतुब्दीन ऐबक ने इंडिया के ऊपर अपने आप को एक जनरल की तरह बेसिकली राज किया एक राजा की तरह राज नहीं किया राजतुब्दीन ऐबक ने सो गोरी अफगानिस्तान में बैठा रहता था कुतुब्दीन ऐबक जो है वो यहां पे इंडिया में बैठा रहता था सिंपली ही लेफ्ट कुतुब्दीन ऐबक इन इंडिया नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व दैट होता क्या है बारह के आसपास हम लोग देखते हैं गोरी जो है वो मर जाता है एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द गोरी वॉट डू वी सी कुतुब्दीन ऐबक हु इन चार्ज ऑफ द गोरी टेरिटरी नॉर्थ इंडिया ही बिकेम रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम जिसको उसने नाम किया नाम दिया दिल्ली सल्तनत सो so ये जो नाम है इंडिपेंडेंट किंगडम का इसको नाम दिया गया है क्या दिल्ली सल्तनत सिंपल सो so दिल्ली सल्तनत नाम दिया गया है इस इंडिपेंडेंट किंगडम को पहले तो आप ये याद रखिए फाइन यू गॉट द पॉइंट सो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं बहुत ही सिम्पल सी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड डील ऑफ आइडिया अबाउट थिंग्स आपको चीज़ों के बारे में एक आइडिया होना चाहिए आपको एक चीज़ों का बेसिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए और तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी ओनली देन यू आर बेसिकली गोइंग टू हैव अ गुड डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई होप आपको समझ आ गया हो एवरीबडी ठीक है अब दिल्ली सल्तनत जो है ये रूल कहाँ से किया जाएगा इसको दिल्ली से रूल किया जाएगा सिंपल सी बात ये है सो so जब हम बात करते हैं कुतुब्दीन ऐबक ही इज़ बेसिकली फाउंडर ऑफ डेली सल्तनत कैपिटल गांधी इसकी दिल्ली थी ये तो नेचुरल सी बात है इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारे वंश आए बहुत सारी डायनेस्टीज आई उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यू नो सर्टली वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ डायनेस्टीज विच हैूल्ड ओवर दिस दिल्ली सल्तनत ये मैं आपको बता देता हूं फाइन ये हालांकि यू विल नॉट बी है डायरेक्ट क्वेश्चन ओवर दैर बट स्टिल इन केस समी आव अ गुड डील ऑफ आइडिया वी हैड स्लेव डाइनेस्टी वी हैड खिलजी डानेस्टी वी हैड तुगलक डाइनेस्टी वी हैड सैद डाइनेस्ट एंड वी हैड लोधी डाइनेस्टी ये पांच डानेस्टीज हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्या किया है अपनी हुमत किया है अपना रूल किया है ना आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर वट इज दैट दैट इज कि इसको हम लोग स्लेव डाइनेस्टी क्यों कहते हैं कुतुबद्दीन एबक ने जो स्टार्ट की उसको हम लोग क्या कहते हैं गुलाम वंश दैट इज स्लेव डायनेस्टी वाई डू वी कॉल इट स्लेव डायनेस्टी बताइए बताइए हां जी गोलू थैंक यू बताइए इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक हिमसेल्फ वॉज अ स्लेव क्योंकि कुतुबद्दीन ऐबक स्लेव था इसलिए उसको स्लेव डायनेस्टी बोल देते हैं समझ आया कि नहीं आया सो so, आपको एटलीस्ट ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल समझ आ गया इतना सो so, बहुत ही बेसिक सी पॉइंट्स हैं एंड आई एम श्योर ये इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं दीपा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अगर हम लोग बात करें कुतुब्दीन ऐबक तो वो लाहौर में बिल्कुल रहा करता था लेकिन इल्तुतमिश बाद में हम लोग देखते हैं बदायूं ले गया था उसके बाद दिल्ली ले आई गई थी कैपिटल फाइन उसके बाद दिल्ली में ही कैपिटल रही है काफ़ी देर तक उसके बाद आपको पता ही है दौलताबाद रही है फिर दिल्ली आ गई है सो दिस इज द बेसिक परस्पेक्टिव विच यू नीड टू अंडरस्टैंड जहाँ तक बात आती है तो आपके दिमाग में काफ़ी डाउट्स हैं कैपिटल को लेकर तो मैं आपको कैपिटल के डाउट क्लियर कर देता तो, हूँ पहले तो दिल्ली सल्तनत के जो कैपिटल है फाइन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कॉम्प्रीहसिवली हम लोग इस टॉपिक के साथ डील करें तो ये जो टॉपिक है मतलब कैपिटल का इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी सो लेमिटेल यू वनताइन कि हमने क्या देखा पहले लाहौरी थी बिल्कुल दीपा आपने सही बात बोली है उसके बाद बधाई ले जाई गई है अल्तुत मिश्र के द्वारा लेकिन इतुतमेश बाद में कहाँ ले गया था दिल्ली और दिल्ली में ही रही है दिल्ली सल्तनत हमेशा दौलताबाद थोड़ी देर के लिए गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लेकिन फिर से दिल्ली आई है फिर आगरा ले जाई गई है लोधियों के द्वारा दैट्स इट सो ये बात याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत कैपिटल इनिशियली ऑफ कोर्स लाहौर रही है बहुत थोड़ी देर के लिए इज इट क्लियर दौलताबाद देवगिरी एक ही बात है दौलताबाद देवगिरी एक ही बात है उसमें तो कोई कंफ्यूजन वैसे ही नहीं होनी चाहिए अभी तक जिसने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है इस सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए जो कि बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से दिस सर्टली इज़ अ वेरी वेरी वाइटल इन्फॉर्मेशन एवरीबडी डिजर्व टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली फाइन समझ आ गया सो so ये वही है दौलताबाद देवगिरी वही है एक तरह से यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं एनी वेज सो आज की जो हमारी डिस्कशन है बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन किसके इर्द गिर्द घूमेगी इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगी सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारी ममलुक डायनेस्टी आज हम लोग ममलुक डायनेस्टी ही डिस्कस करने वाले हैं फाइन देखिए शिवांगी मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम टू टाइम होता क्या है कैपिटल्स हर जगह पर चेंज हुई हैं कोई ऐसी डायनेस्टी बता दो जहाँ पे कैपिटल मूव नहीं होती कैपिटल मूव होती।, होती रहेंगी बिकॉज दैट इज द बेसिक प्रोसेस एवरीवेयर इट हैपन्स हर जगह ये होता है सो कैपिटल मूव होना कोई बड़ी बात नहीं है कैपिटल मूव तो होती ही रहेंगी वो तो हर जगह हमने देखा है कि कैपिटल का मूव होना इज अ वेरी नॉर्मल सी चीज एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग हेयर देयर फाइन सेम इज द थिंग विच इज हैपनिंग हेयर ऑल्सो यहां पर भी वही चीज़ हमें देखने को मिली है सो द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल और द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एज वी से दैट इट इज अ वेरी बेसिक प्रोसेस और इसको लेकर हमें कभी एस्टॉलिश नहीं होना चाहिए इवन इंडिया के भी कैपिटल बहुत मूव हुई है आप देखिए कभी हम लोग देखते कैलकटा थी तो कभी दिल्ली बन गई अंग्रेजों के टाइम पे चलिए समझ आ गया चलिए अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमारे पास ममलोक डायनेस्टी आती है और ममलोक डायनेस्टी एक पहली डायनेस्टी है जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इट इज़ बेसिकली फर्स्ट डायनेस्टी विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि कुतुब्दीन ऐबक ममलोक डायनेस्टी या स्टेट डानेस्टी एक ही बात है उसके पहले राजा अब मैं आपको बताना चाहूंगा दैट ट्वेल्व जीरो सिक्स से ट्वेल्व वन जीरो तक कौन है कुतुब्दीन ऐबक इसके रूलर है कुतुब्दीन ऐबक क्या है बेसिकली सुल्तान ऑफ डेली सुल्तान ऑफ डेली सल्तनत सो अगर कोई आपसे पूछता है कि पहले सुल्तान कौन थे दिल्ली सल्तनत के तो वो कौन थे बेसिकली कुतुब्दीन ऐबक थे इसमें कोई शक नहीं है फाइट नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हिज रूल व शॉर्ट लिव्ड कुतुब्दीन ऐबक जो है ये ज्यादा देर तक रूल तो कर नहीं सके हालांकि एक चीज जरूर है मतलब हम लोग जब बात करते हैं कुतुब्दीन ऐबक की तो इनके टाइम पे एक खास बात क्या हुई है दैट वी हैव सीन द कंस्ट्रक्शन वॉज बेसिकली स्टार्टेड फॉर कुतुब मीनार वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मानी जाती है और एक बहुत नाइस nice मिनरेट हमें देखने को मिलता Now, is, है फाइन नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हम लोग देखते हैं कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पोलो एक गेम होती है ना पोलो वो बहुत खेला करते थे पोलो सो so, हमने क्या देखा क्योंकि ये पोलो खेला करते थे पोलो मतलब क्या होता है घोड़े के ऊपर सवार हो गया पोलो खेलते हैं एंड एक दिन क्या हुआ ये पोलो खेल रहे थे पोलो खेलते खेलते इनका क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया ये घोड़े से गिर पड़े इस प्रकार से कुछ सो so, जैसे ही घोड़े से गिरे पोलो खेलते खेलते पोलो जिसको क्या बोला जाता है चौगा चौगा इज अ गेम जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो पोलो घोड़े के ऊपर बैठ के खेलते हैं फाइन सो इनकी घोड़े से गिरने से क्या होगी मृत्यु हो गई एंड दैट वॉज अ वेरी ट्रैजिक इवेंट इन डेली सल्तन ये बात याद रखेगा सो so, अगर मैं कुतुब्दीन एहबक के बारे में विस्तार से बताऊँ तो ही वॉज़ वेरी बच ट्रस्टेड स्लेब ऑफ मोहम्मद गोरी ही डाइड इन ट्वेल्व वन जीरो वाइल प्लेइंग चौगा यहाँ पर इनको लग बख्श भी बोला जाता है कुरान खान बोला जाता है याद रखेगा कोतुल इस्लाम मॉस जो कुतुब मीनार के पास दिखती है या अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो दिखता है अजमेर के पास फाइन जो पहले सनसद स्कूल हुआ करता था ये कंस्ट्रक्ट इन्होंने करवाया है यह है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा और याद रखिएगा ही हैज स्टार्टेड कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन एज वेल well. एक सूफी सूफीजेंड हुआ करते हैं ना ख्वाजा कुतुब्दीन बख्तियार काकी तो बेसिकली उनकी एक श्रद्धांजलि के अंदर इन्होंने स्टार्ट करवाया था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल फाइन सो यहां पे याद रखिएगा कि ये जो बख्तियार काकी हैं ही वाज अ वेरी इन्फ्लुन्शियल पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज इट क्लियर चिश्ती ऑर्डर के ही थे जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती थे वैसे ये भी थे And 1173 से 1235 तक मतलब ये भी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो ही इज ऑल्सो अमंग दो पीपल जो चिश्तिया ऑर्डर के थे जो इंडिया में आए हैं फाइन शिवांगी कुरान इनके नाम थे ये अलग अलग लख बख्श कुरान खान सारे इनके नाम थे ये बात याद रखेगा फाइन सो so, कभी भी हम लोग बात करते हैं मलिक उल मशाइक जिसको कुतुबुद्दीन बख्तियर काकी बोलते हैं ही वॉज बेसिकली सूफी सेंट ये क्या है बेसिकली एक सूफी संत है सूफी so, सो मैंने सूफिज्म के बारे में आई थिंक आपको काफ़ी कुछ बताया है सो इट शुड नॉट बी बेसिक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन टू ऑल ऑफ यू समझ आ रहा है इतना सो आई एल बी क्लियरिंग ईच एंड एवरी डाउट डोंट वरी अबाउट इट सो बेसिकली दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन आई होप यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी विच इज टॉट टू यू अवर हैर जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर करवाई जाती हैं आपको बताई जाती हैं आई जस्ट रियली होप कि आपको वो समझ आ जाए सॉरी वो ज़्यादा ज़रूरी है और अभी तक आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग द सेशन बट पीपल हु आर वॉचिंग द सेशन मेक मेक्सू यू ऑल्सो लाइक एंड शेयर द सेशन ताकि इन सेशन्स को हम ज्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए दैट इज द मेन ऑफ पर्पज ऑफ आइडियल फाइन आइडियल का मेन पर्पज़ यही है कि मैक्सिमम नफ द पीपल आर एबल टू बी बेनिफिटेड थ्रू दैट आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग हर चीज़ को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं ठीक है गोलू चलिए बहुत बढ़िया समझ आ रहा है आपको यहाँ पे सूफी सेंट का समझ आ गया सूफी सिलसिला की मैंने पहले भी बात की है कई बार अब तो आपको रट गया होगा कि मोहिनुद्दीन चिश्ती इनके साथ आए थे नाउ दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू ऑल उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए अब तो किसी को भी नाउ वेन आई टॉक अबाउट दिस पर्सन यू नो कुतुब्दीन ऐबक नाउ वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर दैट ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ दिस टाइम एंड अल्टीमेटली इफ ही इज़ डाइंग जस्ट आफ्टर फोर ईयर्स तो आपको भी पता है कि चार साल में आप कभी भी प्रॉपर तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते एवरीबडी नोज दैट इट इज़ नॉट ईजी टू इस्टैब्लिश योर सेल्फ जस्ट लाइक दैट इन फोर ईयर्स अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि होता क्या है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दैट जैसे इनकी डेथ होती है तो आराम शाह एक व्यक्ति है वो आता है क्योंकि इनकी डेथ हो गई है फाइन ना आराम शाह जो है ही इज़ बेसिकली सिटिंग ऑन थ्रोन फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम लॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी के आराम शाह बेसिकली कौन था लेकिन कुतुब्दीन की डेथ के बाद कुतुब्दीन ऐबक जब मर जाता है तो आराम शाह थोड़ी देर के लिए आता है यह मैं आपको बताना चाहता हूं फॉर समाइम आराम शाह इज बेसिकली कमिंग टू द्रोन लेकिन फिर वही बात आती है कि ही वॉज नॉट कंसिडर्ड वेरी मच वर्दी एंड बिकॉज वो इतना वर्दी नहीं था तो कुतुब्दीन ऐबक का जो जवाई था कुतुब बेगम जो उनकी बेटी था उसका हसबेंड इलतुतमेश शमसुद्दीन इल्तुतमिश उसको बुलाया गया और उसको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया तो ये एक बहुत खास चीज है गेटिंग द पॉइंट सो बेसिकली इल्तुतमिश को चूज किया गया है एज सुल्तान ऑफ डेली इन ट्वेल्व एलेवन एडी याद रखेगा बारह सौ ग्यारह कौन था इल्तुतमिश? ये इनकी बेटी का हस्बैंड था जवाई था कुतुब बेगम का हस्बैंड था बेसिकली सो so, कुतुब बेगम कौन थी कुतुब बेगम वॉज द डॉटर ऑफ कुतुब्दीन ऐबक सो ही वॉज हजब इनकी वाइफ थी कौन कुतुब बेगम सबको कुतुब वर्ड से बहुत प्यार था कुतुब बेगम इनकी वाइफ थी जो कि बेटी थी किसकी कुतुब्दीन ऐबक की नाउ ही इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट पर्सन मैन व्यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हाँ जी so, आपको बस इतना याद रखना है कि आराम शाह ने एक मौके का फायदा उठाने की कोशिश की लेकिन वो उसका फायदा प्रॉपरली नहीं उठा पाए हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत बड़े ऑथर है सिराज, के ऑथर के है उन्होंने किताब लिखी तबाकत नसीरी तो उन्होंने बेसिकली ये बात बोली है दैट दे बिलीव दैट ही डेट सन ऑफ कुतुबीन ऐबक हालांकि अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ दैट कुतुब्दीन ऐबक का ये बेटा था लेकिन कई लोग ये कंसिडर करते हैं कि वो बेटा था आराम शाह लेकिन उसको रस्ते से हटा दिया गया किसी ना किसी तरह से फाइन बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए बिल्कुल समझ आ गया बिन एबक बिन एबक मतलब सन ऑफ एबक बिन का मतलब होता है सन जब हम अरबिक की बात करते हैं पर्शियन की बात करते हैं सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो सो so कई लोगों ने बेसिकली उसको सन ऑफ़ कुतुब्दीन ऐबक बोला है लेकिन नाउ वी डोंट नीड टू गो इन दैट मच डिटेल आपको बस इतना याद रखना है कि कुल मिला के अल्तुतमिश के हाथ में सारी पावर आ गई ट्वेल्व एलेवन में और ट्वेल्व इलेवन में जो पावर आई सो ही हैज हेल्ड इट टिल इज डेथ टिल ट्वेल्व थर्टी सिक्स मरते दम तक इसने पावर नहीं छोड़ी बारह सौ छत्तीस ए तक ये जो पच्चीस साल है ये जो ट्वेंटी फाइव ईयर्स हैं ये दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत ही ग्लोरियस ईयर्स माने जाते हैं दीज आर वेरी वेरी ग्लोरियस ईयर्स डेली सल्तनत वाई बिकॉज इन दीज ट्वेंटी फाइव ईयर्स अल्तुमिश है सेट द बेस फॉर द डेली सल्तनत टू ग्रो फ्रॉम दैर दिल्ली सल्तनत को अगर ग्रो करवाया किसी ने तो इन्होंने ही ग्रो करवाया है दिल्ली सल्तनत को अगर इस्टैब्लिश किया है किसी ने तो इन्होंने ही इस्ट किया ये बता याद रखेगा इज द पर्सन वैंडली डन अ लॉट फॉर डेली सल्तनत फाइन सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट इनकी क्या है अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट है कि कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करवाई जो कंस्ट्रक्शन है इस मीनार की जो कहाँ पे बेस्ड है दिल्ली में लोकेटेड है दो फीट का मीनार इसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करवाई है किसने कंप्लीट करवाई है इलतुत मिश्र ने विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ विल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स बेसिकली इन्होंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया वो हम सारी बातें करेंगे डोंट वरी अबाउट इट एक एक करके हम लोग हर चीज़ को डी करने की कोशिश करेंगे फाइन बिकॉज अल्टीमेटली वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं वो आज भी हमें देखने को मिलती हैं कि बाद में मुगल्स ने वो कॉपी की और धीरे 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 जाके जो एक दिल्ली सल्तनत को नींव मिलनी चाहिए थी वो इन्होंने दी है ये एक बहुत खास चीज़ है फाइन मैं आपको बताना चाहूँगा इन्होंने सबसे पहली अक्लमंदी क्या दिखाई ये कैलकुलेशन कर लेते थे अलतुत्मेश शमसुद्दीन अल्तुमेशट मुझे दुश्मन उसको बनाना है जो कमज़ोर हो बहुत ताकतवर लोगों को दुश्मन बनाने का फ़ायदा नहीं है इतना ये व्यक्ति जो था वो केपेबल था मैं आपको बताना चाहूँगा चंगेज खान का नाम किसने किससे सुना है बताइए चंगेज खान का नाम किसने किससे सुना है वॉज अ वेरी डेंजरस पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फाइन गंगेज खान बोलते हैं कई लोग चंगेज खान बोलते हैं ही वॉज एक्चुअली अ वॉरियर एवरीबडी नोज दैट राइट चंगेज खान चंगेज खान जो बेसिकली क्या था ये लोग सब मंगोल हुआ करते थे मंगोलिया साइड से आते थे और पूरी की पूरी चीज़ों को ध्वस्त करके रख देते थे फाइन टोटली ध्वस्त करके रख देते दे थे सब लोग तो so, उसी तरह से चंगेज खान जो था ही एज द पर्सन फाइन ये एक पोर्ट्रेट है जो हमें मिलता है चंगेज खान का ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा इसने दिल्ली को चंगेज खान से बताया कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा एक जलालुद्दीन मंग बर्नी हुआ करता था जलालुद्दीन मंग बर्नी उसको इन्होंने शेल्टर देने से मना किया जो किसका दुश्मन था चंगेज खान का तो इन्होंने चंगेज खान को क्या कर दिया खुश कर दिया कि ठीक है तुमने मेरे दुश्मन को अगर नहीं शेल्टर दिया तो आई एम हैप्पी मैं क्या हूं खुश हूं और मैं दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं करूंगा वाई क्योंकि अगर चंगेज खान दिल्ली सल्तनत पर अटैक कर देता सो अगेन इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर दिल्ली सल्तनत तो ये आप याद रखेगा चिंगेज खान बिकेम वेरी वेरी हैप्पी आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल सो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए अबाउट दिस पर्सन दैट ही हैज बेसिकली मेड चंगेज खान वेरी वेरी हैप्पी सो ये एक बहुत ही खास बात है सो so चंगेज खान खुश क्यों हुआ क्योंकि इन्होंने चंगेज खान के दुश्मन को कहीं ना कहीं अपने एरिया में आने ही नहीं दिया एंड ही वॉज अ ग्रेट मंगोल वॉरियर ये क्या हो गया बहुत ज्यादा खुश हो गया समझ आ गया अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत खास बात जो है वो ये है कि सबसे पहले तो इन्होंने इसके साथ क्या किया पीस एंड ट्रैंक्वलिटी एंड प्रोस्पेरिटी मेकशोर कर ली हां जी कुब देखिए कुतुब मिना वो तो कुतुब तो नाम ही है सौरभ कुतुब तो बेसिकली नाम है ना कुतुब ने बख्तियर का हम लोग देखते हैं so, सो अब चिंगेज खान जब खुश हो गया ये बाकी चीजों के ऊपर क्या कर सकते थे फोकस कर सकते थे इन्होंने सबसे पहले क्या किया एक करंसी सिस्टम के ऊपर फोकस किया करंसी सिस्टम एक बात मैं आपको बता देता हूं कि वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग सो so, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक करेंसी जो होती है उसके अंदर सबसे खास बात क्या होती है करेंसी जो होती है उसके अंदर सबसे खास बात यह होती है दैट दैट बेसिकली यू यू हैव हैव टू टू अंडरस्टैंड वन स्मॉल पॉइंट नीड अ गुड सर्कुलेशन इन द इकॉनमी अगर सर्कुलेशन इकॉनमी है तब तो ठीक है अगर आपकी इकॉनॉमी में सर्कुलेशन नहीं है तब इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम सो इन्होंने मेक श्योर किया कि भाई सबके पास सर्कुलेशन तो होनी चाहिए सर्कुलेशन नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा and that is why he has introduced tankas and jitals tankas jo ki silver ke hua karte the jitals jo ki copper ke hua karte the to yaad rakhega inhone currency system ko bahut behtar se behtareen bana diya tha apne time pe and these are the points which you actually need to note down getting it kyunki dekho ये सारे जो point हैं, uh, मतलब अगर आपको पता होंगे only then you are going to understand these particular points समझ आ गया everyone in case आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी पर्टिकुलर डाउट यू हैव यू कैन लेट मी नो ठीक है ये आपको थोड़ा सा भी अगर यहां पे डाउट होता है बिकॉज देखो क्योंकि यहां पे देखो मैं यहां पे जो भी करवा रहा हूं ना अ लॉट ऑफ टाइम्स यू वोंट गेट एज इट इज इन द बुक यहां पे पूरा का पूरा कई बार बुक में नहीं मिलता है तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको बिल्कुल समझ आ गया चलिए आई होप नाउ इट्स वेरी मच क्लियर टू यू टंका so, और जीतल इन्होंने क्या किया इश्यू किया है अब यहां पे जिसको भी यहां पे एक परसेंट भी डाउट है वो यहां पे मुझे बता सकता है और जिसको डाउट टंका है सो टंका और, so, और जीतल कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है सब इलतुत्मिश कर रहा है इंट्रोड्यूस इलतुत्मिश ये मैं सब इल्तुत्मिश की आज बात करूंगा इलतुत्मिश है ठीक है जी ये सब इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किया है चलो तीतल नहीं है जीतल है जे आई टी एल जीतल अब मैं बताना चाहूंगा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इकता सिस्टम फाइन नाउ मैन वी टॉक अबाउट एकता सिस्टम इसके अंदर बहुत खास चीज क्या है कि इट्स अ मल्टी डायमेंशनल सिस्टम एक बहुत ही खास सिस्टम है ये पर्टिकुलर थिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑल्सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था इस समय का और आपको इसको एक प्रॉपर सेंस में देखना होगा प्रॉपर सेंस में जानना होगा टेल यू बाई ये इतना खास क्यों है फाइन वेन एम एम वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो आपको एक चीज याद रखनी होगी जैसे लैंड रेवेन्यू है लैंड रेवेन्यू की हम जब बात करते हैं सो so आपको यहाँ पे लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए यू नीड अ पर्सन पर्टिकुलर पर्सन टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू सो so, आप क्या करेंगे अगर लैंड रेवेन्यू आपने इकट्ठा करना है तो आप एक व्यक्ति को चुनेंगे जो कि कौन होगा एक इकतादार होगा सो so, मैं आपको बताना चाहूंगा मान लो ये व्यक्ति कौन है ये एकतादार है जानते देखेगा सो दिस इज अ पर्सन हु इज नोन एज एकता हमने इस व्यक्ति को क्या बोला कि ये जो पीस ऑफ लैंड है ये तुम्हारे अंडर रहेगा ये ये देखिए मैं जो मार्किंग कर रहा हूं यहां पे कैन यू सी दैट ये मैंने यहां पे एक मार्किंग कर दी चो आइल बेसिकली बी एक्सप्लेनिंग दैट इन अ वेरी सिंपल सेंस टू यू इतना सिंपली कि जो आप बुक्स में भी नहीं देखते हो ये देखो ये क्या है ये एकता है ये जो लैंड है जो येलो के अंदर है ये क्या है इसका एकता वेरी गुड सो दिस इज हिज एकता और लैंड असाइनमेंट बोल सकते हो इसको अब इस व्यक्ति को यहां पर करना क्या है दिस पर्सन हैजू डू अ वेरी बेसिक जॉब ही हैज टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम हेयर लैंड रेवेन्यू यहां से इस व्यक्ति को क्या करना कलेक्ट करना है लैंड रेवेन्यू जिसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है खराज इसको खराज यहां से इकट्ठा करना है उस समय हम क्या बोलते थे इसको खराज बोलते थे यहां से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना खराज इकता इज द नेम ऑफ द सिस्टम एपसल्यूटली तो ये व्यक्ति कौन है एकता है ये यहां से इकट्ठा करेगा खराज और ये क्या करेगा मान लीजिए इसने सौ रुपए इकट्ठे किए एज अ खराज उसमें से इसने तीस रुपए काट लिए अपनी सैलरी और इसको कुछ कुछ ट्रूप्स मेंटेन करने थे वो सब इकट्ठे इसने काट लिए और कितने बच गए सेवेंटी रुपीज बच गए इसके पास सेवेंटी रुपीज जो है उसको हम बोलेंगे फवाजिल एफ ए डब्ल्यू ए जेड आई एल फवाजिल बैलेंस और फवाजिल ये कहाँ जमा करवा देगा जो गवर्नमेंट है उसके ट्रेजरी में जो गवर्नमेंट है वहां पर उसकी ट्रेजरी में फवाजिल को क्या करवाया जाएगा जमा करवाया जाएगा ये एक बहुत ही बेसिक से सिस्टम है इट्स अ वेरी बेसिक सिस्टम ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो आप क्या समझे यहाँ पे अगर मैं आपको सही मायने में समझाऊँ सो so एक बार फिर से आप समझिएगा इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग सो यहाँ पे एकता सिस्टम के अंदर खराज इकट्ठा किया जाएगा खराज जो है खराज के अंदर से हम लोग क्या देख रहे हैं अपनी सैलरी अपने जो भी एक्सपेंसेस है वो काट के क्या बचेगा आपके पास फवाजिल बचेगा वो आप किसको जमा करवा दोगे सुल्तान के अकाउंट में डाल दोगे दैट्स इट सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो इकतादार है उसकी सैलरी इससे निकल जाती थी और इसके बदले में इक्तादार को ये जो सैलरी है इससे बस यही करना होता था ही हैड टू मेंटेन सम ट्रूप्स कुछ ट्रूप्स मेंटेन करने होते थे कुछ हॉर्स मेंटेन करने होते थे कुछ घोड़े और जब भी सुल्तान को जरूरत है वॉर में तो वो घोड़े वो सुल्तान यूज करेगा लड़ाई के अंदर दैट्स से सुल्तान उन घोड़ों को लड़ाई के अंदर क्या करेगा यूज करेगा ये एक बेसिक सा आइडिया था जो वो आपको देखना है सो दिस इज व्हाट इक्ता सिस्टम इज समझ आया खराज मतलब आपको कितनी कमाई आई लैंड से सो so ये पर्टिकुलर अगर लैंड है आप यहां के इकता हो तो आपने यहां से कितना पैसा लिया दैट इज बेसिकली खराज व्हेन यू कट योर सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट खराज इट बिकम्स फवाजिल And that balance you give to the Sultan, that is as simple as that. Fine. So I hope now the system is very much clear. You can be maintaining various troops. It can be 40 troops, it can be 10,000 troops, it depends. And whenever Sultan will need the troops, you are basically going to help Sultan with the troops. Simply and straightforwardly, you are going to do that. Fine. So this is what they used to do, and that was a very, very efficient system. Let me tell you one thing. People used to actually acknowledge. that this has been one of the best system which they have seen so what if we have seen till now till we have seen he has basically made sure that india is safe from chingiz khan haan ji ye apni salary dekhiye main aapko batana chahunga ye apni salary jo thi abhi usko bhi kaatta tha और जो आगे troops को देना है पैसा वो भी काट लेता था Of course अपनी जेब से तो देगा नहीं तो वो सब कुछ काट पीट के ये आगे अपने सुल्तान को पैसा दे देता था फवाजिल बहुत स्मूथ सिस्टम दिस सिस्टम वॉज विदाउट एनी डाउट अ वेरी वेरी स्मूथ सिस्टम जो कि उस समय चल रहा था हमें जो देखने को मिल रहा था डेली सल्तनत में दैट इज़ द रियल दैट इज़ द रीजन वाई बी कॉल इलतुत्मिश द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत द रियल कंसॉलीडेटर ऑफ़ द दिल्ली सल्तनत इज दिस पर्सन बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मूथ आइडिया राइट सो इन अ वे यू कैन सी गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग समम गवर्नमेंट उसको कह रही है कि इतना रेवेन्यू इकट्ठा करो अपना पैसा काट के आगे जमा करवा दो सिंपल सी बात है यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कुतुब मीनार इसने कंप्लीट करवाया चंगेज खान से इसने बचाया तंका जीतल ये लेके आया इक्ता सिस्टम ये लेके आया और एक और सिस्टम लेकर आया विच इज़ नोन एज चहलगनी फाइन क्विज होगा रात को आठ बजे इसी के ऊपर आठ बजे क्विज होगा चहलगनी सिस्टम नाउ व्हाट इज चहलगनी सिस्टम चहलगनी सिस्टम इज अ वेरी वेरी बेसिक सिस्टम लेट मी टेल यू वन थिंग एक बहुत ही बेसिक सा सिस्टम है इसके अंदर होता गया है इसके अंदर फोर्टी एडवाइजर्स होंगे सुल्तान के चालीस एडवाइजर चहलगनी जिसको चालीसा भी बोला जाता है तुर्कनी चहलगनी भी बोला जाता है कॉप्स ऑफ फोर्टी भी बोला जाता है वेरियस नेम्स आर गिवन टू दिस चहलगनी सिस्टम सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर फोर्टी पीपल ओवर एंड ऑल दीज फोर्टी पीपल आर बेसिकली गोइंग टू डू वन बेसिक थिंग

He is the one who has introduced Tanka and jital. He is the one who has introduced IKTA system properly. Designed IKTA system. He is the one who is basically making sure that we are having a Chahal Gani system, advisor system to the Sultan. So all these points can be attributed to Iltutmesh and in his 25 years long rule, he has contributed a lot to the Delhi Sultanate. 25 years duration it is. Fine. Okay, absolutely. So even today also we are having ministers. Narendra Modi government, he is having a lot of ministers. He is the prime minister, but prime minister is alone not taking all the decisions. All the decisions are taken cap collectively by the cabinet. So it is a system just like that. Since today we are having the cabinet system, at that time we were having this Chahalgani system. So that shouldn't bother you that you are not able to understand this thing it's a very basic thing even today we are having all these points is that clear so certainly only when you are having a basic idea in your mind you will be able to have a good deal of clarity on these things anyways now i would like to tell you one thing iltutmish no doubt was a great ruler no doubt about it but again iltutmish son they were not very very uh, we can't say that iltutmish son were very efficient इन एवरी विच वे दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम पॉइंट इलतुमिश एक बहुत अच्छा रूलर था लेकिन अलतुतमिश के बेटे जो हैं वो इतने अच्छे रूलर कहीं ना कहीं नहीं बन पाए एंड उसमें एक सबसे बड़ा जो नाम आता है वो कौन है रुकनउद्दीन फिरोज सो so, रुकनउद्दीन फिरोज जो है वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि यूज़ टू कंज्यूम लॉर्ड ऑफ ओ पी एम एंड दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विध रुकनद्न फरोज सो ले टेल यू वन पॉइंट that Ruknuddin Firoz became the Sultan after the death of Iltuz but soon he was basically replaced by his sister that is Razia Sultana. Is it clear? So Ruknuddin Firoz became the king but soon he was replaced by Razia Sultana. Why? Because people thought that he is not capable of holding the Empire, of hold, holding the seat of the Delhi Sultanate

उसको अपने अंडर ये ले रही है जो कि अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही थी जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ दैट क्लियर सो शी इज़ द ओनली वेमन टू रूल इन द मिडेवल इंडिया मिडेवल इंडिया के अंदर आपको और कोई भी महिला नहीं दिखेगी जो रूल कर रही है शी इज़ एक्चुअली द ओनली वन एंड दैट इज़ वाई शी इज़ वेरी मच एडमायर्ड ऑल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट फाइन इस इस अचीवमेंट के लिए काफ़ी एडमायरेशन की भी हकदार है रज़िया सुल्ताना उनके कॉइंस आज भी हमें मिलते हैं फॉर्चुनेटली सिर्फ चार साल ही रूस रूल कर पाई रजिया सुल्ताना एक बहुत बड़ा कारण क्या था रजिया सुल्ताना के कम रूल करने का वो ये था कि इनके रूल करने में सबसे बड़ी बाधा कौन बन गया इनके फादर की बनाई हुई एक मशीनरी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉप्स ऑफ फोर्टी ने चहलगनी सो जो चहलगनी है वो एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल थी इनके रूल करने में इन्होंने टाइटल लिया है उमदातुल मिसवा शी वॉज अ वेरी पॉपुलर रूलर नो डाउट अबाउट इट लेकिन तुर्कने चहलगनी इनको पसंद नहीं करते थे फाइन और इनके करेक्टर असैसनेशन में हर व्यक्ति ने पूरा योगदान दिया और जब इनको कहीं ना कहीं सबके सामने इस तरह से ह्यूमिलेट किया गया कई बार तो हमने देखा है ऑलरेडी काफ़ी लोगों के हौसले पस्त पड़ जाते तो यहाँ पे इनके साथ भी यही हुआ फाइन ऑफ स्टोरीज आई वोंट बी गोइंग इन टू दैट स्टोरीज बट आपको मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि रजिया सुल्ताना जो थी उससे सबसे बड़ी दिक्कत किसको थी तुर्कन चहलगनी को वाई बिकॉज तुर्कन ए चहलगनी वॉज नॉट वॉन्टिंग एनी केपेबल रूलर टू रूल डेली सल्तनत वो चाहते थे कि कमजोर रूलर्स आए ताकि वो आराम से अपना काम कर सकें जो कि काम था उनके अपने बेनिफिट का दे नेवर एवर वॉन्टेड दिस थिंग दैट अ केपेबल रूलर शुड बी रूलिंग ओवर डेली सल्तनत एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है याद रखिएगा इज दैट क्लियर नो बडी वॉन्टेड दिस थिंग दैट अ केपेबल रूलर इज कमिंग एवरीबडी वॉन्टेड दैट बहुत कमजोर रूलर आए जिनको कटपुतली बना के कौन काम कर सके तुर्कने चहलगनी अपना काम कर सके ये एक खास बात है समझ आ गया uh, हां जी हां जी हाँ जी आशीष एनी डाउट चलिए बहुत बढ़िया अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दैट दिस पीरियड फ्रॉम ट्वेल्व फोर्टी टू ट्वेल्व सिक्सटी सिक्स वी हैव गॉट वीक रूलर्स हमारे पास वीक रूलर है दिल्ली सल्तनत में एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल यू रजे सुल्ताना के बाद मोइजुद्दीन आता है ना अगेन इज अ रूलर हुट नो आइडिया अबाउट दल्तनत कैसे रूल करना है क्या करना है कुछ आइडिया नहीं है हालांकि ही इज ऑल्सो द सन ऑफ अल्तुत्मिशनलीजुद्दीन जो है son of iltutmish, लेकिन इसको कोई भी आइडिया नहीं है फाइन सो यह आपको पता होना चाहिए उसके बाद इवन अगर अलाउद्दीन मसूद भी आया है ही वॉज अगेन क्लूलेस अबाउट एवरी थिंग फाइन ये तो हमें पता भी नहीं है कि किस तरह से इनको बनाया गया सो अल्टीमेटली रुकनउद्दीन फिरोज जो है उसका बेटा था अल्तुतमिश का बेसिकली ये ग्रैंडसन था अगेन ही हैड नो क्लू वॉट्स एवर तो ये भी काफी देर तक रहा बेसिकली चार साल तक रहा उसके बाद वी सॉ नसीरुद्दीन बिकेम द रूलर नसीरुद्दीन सो फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम नसीरुद्दीन वॉज बेसिकली ओवर दै तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं ही वॉज अगेन द सन ऑफ अलतुतमिश बट अगेन वही बात आती है

और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करते रहे जी हजूरी करते रहे इन सब लोगों की जो कौन थे तुर्कने चहलगनी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब सबको ये बात पता चल चुकी थी दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट तुर्कने चहलगनी इज फिनिश्ड और तुर्कने चहलगनी इज एलिमिनेटेड इसको एलिमिनेट करना अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो चुका था जो कि लेना ज़रूरी था समबडी हैड टू डू समथिंग अबाउट तुर्कन चहलगनी एंड वो समबडी कौन बना वो बना ग्यासुद्दीन बलबन यासुद्दीन बलबन जो था ही वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ चहलगनी ओनली सो यासुद्दीन बलबन ने क्या किया बलबन स्टोडा बलबन ने बोला कि मैं ये काम करूंगा और बलबन खुद सुल्तान बन गया आफ्टर ही बिकेम द सुल्तान इन 1266 सिक्सटी सिक्स एर ऑफ बलबन स्टार्टेड इसने क्या किया सबसे पहले तो तुर, तुर्क ने चहलगानी को ख़त्म किया सो so एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट तुर्क ने चहलगनी वॉज एलिमिनेटेड बाय दिस पर्सन याद रखिएगा कई लोगों को पॉइजन दे दी गई कई लोगों को हाथी के नीचे कुचलवा दिया गया बलबन के द्वारा सो बलबन इन अ वे इज मेकिंग श्योर दैट तुर्क ने चहलगनी इज़ टोटली एलिमिनेटेड बाय हिम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बलबन ग्यासुद्दीन बलबन ही ऑलवेज बिलीव्ड इन द स्ट्रेंथ ऑफ टर्किश नोबिलिटी ये किसी भी और व्यक्ति को कभी भी अपना सुल्तान नोबल नहीं बनने देता था वो कोई भी हो सकता है चाहे कोई खिलजी हो या कोई भी हो ही नेवर वॉन्टेड एनी वन एल्स टू बी हिज नोबल एक बहुत ही क्लियर कट तरीके से बात बोलता था ही नेवर यूज टू मीनस his वर्ड्स ये साफ साफ बोलता था कि मैं खिलजियों को तो कभी अपना जर्नल वगैरह नहीं बनने दूंगा ये भी एक कारण था खिलजीज इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे यू मस्ट बी नोइंग कि जब इसके बाद खिलजीज आएंगे तो उसको खिलजी रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है उसको खिलजी रेवोल्यूशन हम लोग इसलिए बोलते हैं बिकॉज खिलजीज इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसके मरने के बाद सीधे खिलजी सुल्तान बनते हैं फाइन सो विवेक दे इज नो फ्री कोर्स एवरी कोर्स इज पेड कोर्स ओनली अब याद रखेगा इसने क्या किया दीवाने अर्ज एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट ही ऑल्सो अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन सो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को यहां पे इन्होंने दोबारा से री किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब एक बात याद रखेगा जब भी हम लोग बात करते हैं ये हमेशा एक बात बोला करता था कि सिजदा और पैबोस करो मुझे मुझे झुक के सलाम करो यहां तक कि ही ऑल्सो यूज टू आस पीपल टू यूज जमीन दोस्त वॉट इज जमीन दोस्त जमीन दोस्त का मतलब होता है झुक के धरती को किस करना इफ यू आर बेसिकली किसिंग दैट किटिंग किसिंग दैट अर्थ बिलो द फीट ऑफ द एम्पर दैट इज नोन एज जमीन दोस्त ही लॉर्ड ऑफ स्पाइस हुर बेसिकली बरीद उनको बरीद बोला करते थे एंड ही ऑलवेज यूज टू मेक यू नो अ लॉर्ड ऑफ एलैबोरेट डेकोरेश जब भी उसका कोई कॉन्वाई निकलता था वो सबको बहुत दिखावा किया करता था अपने कॉन्वॉय का ऑल दीज थिंग्स वर वेरी मच एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर ऑफ बलबन सो बलबन के साथ सारी चीज़ें जोड़ के देखी जाती हैं नो डाउट बलबन हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रिक्ट रूलर बट एट द सेम टाइम बलबन के अंदर दिखावा भी बहुत ज़्यादा था बल्बन हमेशा दिखावा करता था कि मैं पावरफुल हूं और इस चीज़ को हमेशा देखिए मेरे सामने झुकिए मेरे पैरों को किस करिए और खिलजी जिससे बड़े खफा रहते थे पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन जो लाई गई है इसके द्वारा वो यही है कि मैं जो भी मेरे सामने नहीं झुकेगा उसको मैं क्या करूंगा उसको मैं ख़त्म कर दूंगा एंड इसने काफ़ी सेसनेशन करवाई भी है यासुद्दीन बलबन ने सो so एनी कोई अमर तो होता नहीं है ट्वेल्व एटी सेवन तक बलबन ने भी रूल किया बड़े मज़े से रूल किया बट अगेन देर वॉज अ टाइम वेन ही वॉज नॉट एबल टू रूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफकोर्स इलनेस होती है काफ़ी चीज़ें होती हैं मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा दैट बलबन के बाद कौन आता है बलबन के बाद जो आता है वो तो है म्यूजीजिन कैकबाद लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाननी दैट इज इनका एक बेटा हुआ करता था इसका एक बेटा होता था बलबन का नसीरुद्दीन बुगरा खान ये दिल्ली का सुल्तान तो नहीं बन पाया लेकिन इसने बंगाल के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बनाया ट्वेल्व एटीज में बुगरा खान ने यह बात याद रखेगा ही हैज एस्टैब्लिश अ वेरी स्ट्रोंग कंट्रोल ओवर बंगाल इनका बेटा जो था बलबन का बेटा सो so, बुगरा खान वो द सन ऑफ बलबन याद रखेगा मेहरोली में बलबन का टूम है वहां पर इनका भी तो बलबन का जो बेटा था बुगरा खान उसके दो बच्चे थे एक तो था रुकनुद्दीन एक था मुइजुद्दीन क्या समझ आया सो so मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट नसीरुद्दीन बुगरा खान इज़ द सन ऑफ बलबन लेकिन ये कभी दिल्ली का सुल्तान नहीं बन पाया और दिल्ली का सुल्तान कौन बन पाया बताइए हु बिकेम द सुल्तान ऑफ डेली इट वॉज सन ऑफ बुगरा खान दैट इज मुजुद्दीन कैकबाद सो बलबन के बाद उसका पोता जो है उसका जो ग्रैंड सन है कैकबाद ही बिकेम दुल्तान ऑफ डेली यह बात हमेशा आप याद रखेगा दट बलबन वॉज सक्सीडेड बाई हिज ग्रैंड सन दैट इज मुइजुद्दीन कैकबाद ट्वेल्वी ट्वेल्व नाइनटी फाइन सो बलबन के बाद यह आए और उसके बाद कैकबाद का जो बेटा था बहुत ही वीक जिसका नाम था शमसुद्दीन कायुमार

लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी आप सिंपली बोलोगे कायुमार शमसुद्दीन कायुमार जो किसका बेटा था क्याकुबाद का क्या किसका बेटा था ग्रैंडसन था बेसिकली बलबन का सो आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर यू मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना इस सेशन को अगर आप लाइक करते हैं तो आपकी लाइक वीडियो में एड हो जाएगा एंड वेन एम टू रिवाइज यून गो टू द लाइक एंड यू कैन सर्टली सर्च फॉर द सेशन लाइक करने का आपको यह बेनिफिट मिलता है कि आप वीडियो को रिविजिट आराम से कर पाते हैं यू कैन ईजीली रिविजिट द वीडियो गेटिंग इट सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट रूलर कौन है स्लेव डायनेस्टी का शमसुद्दीन क्यूमा ममलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर है ये विल दैट बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल तुर्क ने चहलगनी पता चली किसने बनाई किसने खत्म की पाइबो जमीन के बारे में आपको पता चला यू यू हैव गॉट अ गुड डील ऑफ आइडिया अबाउट थैंक्स और नॉट फाइन बरीद क्या है दीवा फाइन दीवाने अर्ज क्या है सो so, एक ये फर्स्ट क्लास है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट यू नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड बेसिकली विल बी नाउ डूइंग वन बाय वन आगे हम लोग बढ़ेंगे सो so, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे सो so, एक एक करके करेंगे सो दैट यू आर एंड एवरीथिंग सो ऑल द पीपल हुआ वॉचिंग इफ यू हैव नॉट लाइक द सेशन येट लाइक द सेशन इफ़ यू नॉट शेयर द सेशन येट शेयर द सेशन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे इन्फॉर्मेशन बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी प्रेशियस फॉर ऑल द एग्जामिनेशन हर एग्जाम के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑफकोर्स ऑन अ वेरी पॉपुलर डिमांड अप हैज वॉट अप हैज गॉट दिस एटीन मंथ की सब्सक्रिप्शन ऑल्सो फॉर यू ऑल पहले एटीन मंथ की सब्सक्रिप्शन नहीं थी मैक्म तो ट्वेल्व मंथ की होती थी नू कैन ऑल्सो गेट ग्रेटअप सुपर सब्सक्रिप्शन फॉर एटीन मंथस एंड दैट टू एट अ डिस्काउंट ऑफ फिफ्टी फाइव परसेंट ऑन द ईद का त्यौहार सो कैन यूज द कोड ईद गेट दिस डिस्काउंट फाइन और आपको तो पता ही है कल वैक्सीन के ऊपर जो सेशन किया है सो so, वैक्सीन अपनी जल्दी से लगवाइए स्लॉट लेके ये कैन भी कोवि कोवैक्सिन कैन भी कोविशील्ड स्पुटनिक की तो चलो अभी बात ही नहीं है अभी स्पुटनिक को आने में टाइम है तो वैक्सीन जरूर लगाइए बिकॉज वैक्सीन लगवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी आप सबके लिए कल के सेशन में भी मैंने यही चीज हाईलाइट की है अलॉट ऑफ यू हैव अप्रीशिएटेड दैट सेशन एंड जिसने अभी तक नहीं देखा वो सेशन जरूर देख लीजिए कल का जो वैक्सीन वाला सेशन है खुद देख लेना अपनी फैमिली को दिखा देना मैंने बहुत ही क्लियर कट तरीके से बताया कि वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम लोग देखते हैं फाइन सो एवरीबडी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन इस सेशन को लाइक like और शेयर फटाफट से कर दो इफ अगर नहीं किया अभी तक एंड टमोरो अगेन आई एम गोइंग टू मूव अहेड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट और एक बहुत बड़ा सरप्राइज जल्दी आपके लिए आ रहा है जो हम लोग आठ बजे क्विज करते हैं आज भी होगा लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि क्विज़ में जो अच्छा परफॉर्म करें उनके लिए कुछ प्राइज लेकर आएं So, कल से हम लोग सोच रहे हैं वो लाने की सो so, आज आठ बजे आइए एंड आई बी रिवीलिंग टू यू फाइन सो धीरे धीरे और रिवॉर्डिंग बनाया जाएगा आपके लिए पढ़ाई को सो so, आठ बजे ग्रेडअप ऐप पे मिली है मुझे एंड देयर वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ न्यू अनाउंसमेंट फॉर यू हांजी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा क़ुतुबुद्दीन ऐबक जनरल था मोहम्मद गोरी का लेकिन स्लेव था ठीक है तो uh, गोरी जो है गोरी जो है बेसिकली गोरी की डेथ होगी तो गोरी की डेथ के बाद इंडिपेंडेंट हो गया था फाइन चलिए समझ आ गया शिवेंदु आपको बहुत बढ़िया चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड टेक केयर अ ग्रेट